ये फैन ऑफ कर दो। कहाँ तक कवर कर लिए थे हम लोग? आठ सौ बत्तीस आर्टिकल 32। कल क्या है? टेस्ट है ना, संडे तो है ही, टेस्ट भी है। ठीक है, टाइमिंग क्या रखें? टाइमिंग बताइए। सुबह में छः अभी ना ले लें? क्या है? अरे भाई सिस्टम गड़बड़ हो जाता है ना। और कल जो है यूपीएससी का भी एग्ज़ाम है, पता है आप लोगों को? कल है ना? हाँ, तो कितने लोग थे जो जिनका का छूट गया? मतलब इरादे नहीं है कि अब नहीं देना, कल है तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों में से था कोई ऐसा? अच्छा, आप लोग ओवर एज हो गए, एज ही नहीं है। कह रहे एज ही नहीं है। अच्छा, अभी छोटे बच्चे हो। पार्ट थ्री चल रहा था, भाग तीन, आर्टिकल थोड़ा समझे थे? भाग तीन में कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद दिए गए हैं? 12 से 35। अनुच्छेद 12 और 13 को आपने एक कॉलम में पढ़ा था, उसको समझा था। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं तेज़ी से। अनुच्छेद 12, आर्टिकल 12 12 जो है क्या कहता है? राज्य की डेफिनेशन बताता है। ठीक है, राज्य क्या है, राज्य की परिभाषा बताता है। वहीं अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 एक बच्चा बताइए, इतने सारे जनसंख्या में नहीं आएगा। बिल्कुल, चाहे वो पहले हो या बाद में, अगर कोई भी विधि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है वो विधि खारिज हो जाएगी। ठीक है, वो विधि क्या होगी? खारिज हो जाएगी, चाहे वह संविधान के पहले या बाद में बनी हो। यही तो था ना अनुच्छेद 13। ठीक है, फिर आपने अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक आर्टिकल 14-18 जो है एक साथ पढ़े थे, इसमें क्या दिया हुआ है? समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार दिया है। वहीं दूसरे नंबर पे आपने अनुच्छेद 19 से 22 पढ़े थे। अनुच्छेद 19 से 22 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। और फिर उसके बाद में अनुच्छेद 23 और 24 इसमें क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण का अधिकार नहीं है क्या? जो है शोषण करने का अधिकार मिल गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर बात करें तो अनुच्छेद 25 से 28 तक, तो अनुच्छेद 25 से 28 तक क्या क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और वहीं अनुच्छेद 29 से 30 में क्या लिखा है? संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। ठीक है, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। और अनुच्छेद 31 बचा नहीं है, बचा नहीं था क्या? संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 क्या कहता है? वो 32 सॉरी, संवैधानिक विचारों का अधिकार, उपचारों का है। ठीक है, विचारों का नहीं है, उपचारों का।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कुछ लोग विचार पे आ गए थे कि संवैधानिक विचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। इसको दूसरे सेंस में हम जो है संविधान की आत्मा भी बोलते हैं, ठीक है, संविधान की आत्मा। और जब किसी की आत्मा निकाल दी जाएगा तो फिर उसका क्या रहेगा, अस्तित्व रहेगा कुछ नहीं, नहीं, सिर्फ खाली कंकाल रहेगा, ठीक है। अनुच्छेद 32 जो है संविधान की आत्मा या संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें दिया गया है। फिर आपने पढ़ा था अनुच्छेद 33, आर्टिकल 33, इसमें क्या लिखा है, मूल अधिकार किस किस के सीमित किए जा सकते हैं, ठीक है, मूल अधिकार किस किस के सीमित किए जा सकते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ लिया था या नहीं, अभी नहीं पढ़ा था ना, अच्छा वैसे बता दिया था, रिवीजन कर लिया था। तीसरा कॉलम, तो इसको बस रिवीजन भी होता रहेगा और साथ ही साथ पढ़ भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही जो कल टेबल बनाए थे टीसी नंबर पे लिखना, ठीक है, थर्ड कॉलम में टेबल बनाए थे ना, आर्टिकल 33 to 35, अनुच्छेद 33 से 35 तक। तो अनुच्छेद 33 को इसमें पहले पढ़ लेंगे, आर्टिकल 33 अभी आप लोगों को बताया था क्या कहता है, कि मूल अधिकार किस किस के सीमित किए जा सकते हैं, मूल अधिकार किस किस के सीमित किए जा सकते हैं, ठीक है, मूल अधिकार किस किस के सीमित किए जा सकते हैं। तो कल भी बताया था मैंने, कोई बताएगा, किसके, आर्मी मतलब सेना, पुलिस, और कौन, गुप्तचर और हाँ और बोलो, जांच एजेंसी, हाँ उसी में आ गया भाई, गुप्तचर संगठन कह लीजिए, चाहे अगर अलग ना लिखे तो गुप्तचर संगठन कह लो, हाँ आईपीएस क्यों नहीं आएंगे, वो पुलिस में तो आ गए, अगर आईपीएस होंगे तो पुलिस में नहीं होंगे क्या, हाँ आईपीएस पुलिस नहीं होते क्या, गुप्तचर संगठन और टेलीकॉम कंपनी, ठीक है, टेलीकॉम कंपनी कंपनी एक ही कंपनी है, कंपनीज भी कर लीजिए, ठीक, कंपनियाँ, टेलीकॉम कंपनियाँ कर लीजिए, और कोई बचा है इसमें ऐसा, और किस किस के मूल अधिकार जो है सीमित किए जा सकते हैं, वो बताएंगे जब सिविल सर्वेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा, वही बताएंगे क्या है, ठीक है। फिलहाल तो इतना है सेना, हाँ जेल में क्या होते हैं, उनके अधिकार नहीं होते क्या, अधिकार तो होते ही हैं नहीं होते क्या, जैसे उदाहरण बताओ, कोई कौन सा अधिकार मांग रहे हो, जेल में क्या दिए उनसे, उनका अधिकार ये होना चाहिए कि जो है अपना खुलेआम सिनेमा देखें और खुलेआम जो है बाजार करें, शॉपिंग करें, फिर वो सजा किस बात की काटेंगे, जैसे सब लोग जाएं जेल में जाएं मर्डर कर दें कि जो है फिर वही सुविधा मिलेगी, ठीक है,
अधिकार सीमित नहीं किए हैं उनके, पर जो उन्होंने कांड किया है तो उसका तो सज़ा मिलेगी ना यार, नहीं मिलेगी? ऐसे तो हर कोई जो है किसी न किसी को ठोक के चलो अंदर जेल में, शाम को जो है जेलर साहब गाड़ी से अपनी जो है शॉपिंग कराएंगे, फन मॉल में जो है मूवी दिखाएंगे, पॉपकॉर्न खिलाएंगे, और क्या चाहिए फिर? ऐसे तो सभी जो है अपराधी हो जाते, नहीं होते? कि छोड़ो यूपीएससी, इससे कुछ फ़ायदा नहीं है, किसी को ठोको और जेल में चलो। ये समझ गए आर्टिकल 33 क्या कहता है? मूल अधिकार किस किस के सीमित किए जा सकते हैं? तब जैसे सेना, पुलिस, गुप्तचर संगठन और टेलीकॉम कंपनी, इनके अधिकार क्या है? सीमित किए जा सकते हैं। कहीं ऐसा नहीं है कि जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अगर बात करें तो कहीं आपने नहीं देखा होगा कि आर्मी या पुलिस के लोग जो हैं, या पुलिसकर्मी या आर्मी जो है, कहीं बैठ के धरना दे रही हूँ और भाषण दे रही हूँ कि निकम्मी सरकार है, इसको भगाइए, या किसी के विरुद्ध जो है प्रदर्शन कर रही हो, ऐसा नहीं होता। बल्कि जो धरना प्रदर्शन देते हैं उनको भी जो है, या वहाँ पे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इनका सेना हो चाहे पुलिस हो, इन लोगों को वहाँ ड्यूटी के तौर पर लगाया जाता है, ठीक है? हाँ, क्या पुलिस है? हाँ, पुलिस तो पुलिस ही है, पुलिस तो पुलिस ही है, वो अलग अलग ब्रांचेज हैं, चाहे रेलवे पुलिस हो, चाहे आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस हो, कोई भी है। इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस जो है गाड़ियाँ ज़्यादा पलट देती हैं, ध्यान आप लोगों को, गाड़ियाँ। हाँ, तो अपने नियम और कायदे कानून से पलटती नहीं है, पलट जाती है, क्या करें, मजबूरी है। क्यों? पुलिस का कार्य इतना फास्ट है उत्तर प्रदेश पुलिस का कि एकदम धुआंधार कार्य करती है। हाँ, बिल्कुल धुआंधार कार्य करती है। किसी को सजा देनी है तो सजा भी दिल्ली खुद तो नहीं दे सकती भाई, वो न्यायालय का काम है सजा सुनाना। हाँ, किसी मुलजिम को पकड़ना तो पकड़ लेती है, नहीं? हाँ, जितना उससे होता है उतना सहयोग करती है। अब कोर्ट ने कह दिया कि जल्दी से पेश करो, पेश ही तो करने जा रही थी, ईमानदारी से कार्य कर रही थी। अब सरकारी गाड़ी वही 70-80 की स्पीड पे चलने वाली, उसको 150 की स्पीड पे चलाओगे तो पलटेगी ना। अब पुलिस वाले तो बेचारे एक्सपर्ट हो गए हैं कि पता है गाड़ी पलटेगी, पहले ही अपना सेफ हो जाना है, तो इसलिए वो अपना प्रोटेक्शन में रहते ही हैं। और जो प्रोटेक्शन में नहीं है मुलजिम, फिर उसके साथ तो जो होगा वो अल्लाह मियाँ जाने जो होता है, ठीक है? ऐसा नहीं, पुलिस अपना काम ठीक से करती है। अब वो उसके नसीब में है, किसके? अपराधी के, ठीक है? गाड़ी अगर सीधी चलती रही तो ठीक है, डिवाइडर पर ना चढ़ी तो पलट जाएगी। आप लोग समझ रहे हो इस बात का मतलब? हाँ, वो कह रही नहीं समझ रहे, तो कोई देखिए समझ नहीं, ये यूपीएससी का नहीं है क्वेश्चन, ये यूपीएससी में नहीं आएगा गाड़ी कहाँ पलटी थी। हाँ, ये है कि अगर जानकारी होनी चाहिए, वरना अगर शायद आप आईपीएस बन गए और उस क्षेत्र में पोस्टिंग हो गई तो फिर आपको फाइल पलटना है कि हाँ भाई वो बताया था जरा सर ने एक ने कि गाड़ी पलटी थी, कहाँ पलटी थी बताया, किस केस में पलटी थी, ठीक है? खैर, अब आ जाइए आर्टिकल 34 अनुच्छेद 34 पर। तो अनुच्छेद 34 क्या कहता है, कोई बताएगा? अनुच्छेद 34 कोई भी उधर लास्ट तक कोई भी बताए, कोई ऐसा नहीं है बहादुर जो बता दे? देखो, नॉलेज पता तो होता है सबको, पर बहादुरी का है कि इतने बड़ी भीड़ में कौन जो है हाथ उठा दे और कौन खड़ा होकर बता दे सर ये है, सबसे बड़ा डर तो यही होता है, ठीक है? आर्टिकल 34 क्या कहता है? अगर किसी इलाके में सैनिक कानून लगा है, ठीक है, अगर किसी इलाके में सैनिक कानून लगा है तो संसद उस क्षेत्र में मूल अधिकार सीमित कर सकती है। संसद
उस क्षेत्र में मूल अधिकार सीमित कर सकती है। ठीक है, अगर कौन सी, हाँ हाँ वही कर्फ्यू। ठीक है, अगर किसी इलाके में सैनिक कानून लगा हो, ये क्या होता है आर्टिकल 34 की अगर बात करें तो इसमें लिख लेंगे, अगर किसी इलाके में सैनिक क्या लगा हो, हाँ क्या, हाँ इतने बोले पर किसी की आवाज़ नहीं आ रही। सैनिक कानून वो कह रहे शासन। इसलिए मैंने 3 बार रिपीट किया, लगा हो तो संसद क्या है उस क्षेत्र में क्या है मूल अधिकारों को सीमित कर सकती है। तो संसद उस क्षेत्र में मूल अधिकारों को फंडामेंटल राइट्स को सीमित कर सकती है। ठीक है, देखो अनुपम तूफान हो गया, अरे डर गया, दो अभी अटैक आ जाता, एक बार उधर भी डरा दिया। देखिए आप लोग नहीं डरे थे, पीछे जितने बच्चे बैठे हैं कांपे तो नहीं थे, हाँ इसे वो कहते हैं कि कहना नहीं चाहिए पर कह दूं, पढ़ा लिखा गंवार। अब गंवार से मतलब ये नहीं कि गांव का रहने वाला है, हाँ मैं बिल्कुल भी, अगर मेरे इस वाक्य से किसी की आत्मा को ठेस पहुंची है तो इसलिए क्षमा चाहता हूँ, पर ऐसा मेरा इरादा है नहीं। मैंने पहले बोला था कि कहना नहीं चाहता मगर फिर भी बता देता हूँ, भाई इसको देख लो ना स्क्रीन पर क्या आ रहा है। ठीक है, अनुच्छेद 34 आर्टिकल 34 क्या कहता है, अगर किसी इलाके में सैनिक कानून लगा हो तो संसद उस क्षेत्र में फंडामेंटल राइट्स को सीमित कर सकती है। ठीक है, कितना हुआ नहीं समझे, हाँ भाई लास्ट में समझ गए ना, हाँ हाँ एक ही है एक नहीं ऐसा तो नहीं है वो, हाँ तो क्या है ये कौन कह रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल की है, कौन कहता है धारा भी डिस्ट्रिक्ट लेवल की होती है क्या, हाँ कि ये धारा यहाँ है काम करेगी, हाँ वो अलग है, नहीं सैनिक कानून और कर्फ्यू वाला मामला है वो एक ही में है। सैनिक कानून से मतलब ये है कि शासन की बात नहीं चल रही है कि मिलिट्री का शासन आ गया, मिलिट्री शासन की बात नहीं चल रही है, सिर्फ जो है कि अब जो है यहाँ की कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, इस क्षेत्र की कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, इस कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि अब पुलिस बल का और सैनिक या मिलिट्री का प्रयोग किया जाए, इनको बुलाया जाए। अरे कुछ भी समझ लीजिए, सांप्रदायिक दंगा है किसी क्षेत्र में, सांप्रदायिक दंगा है, मान लीजिए किसी क्षेत्र में सांप्रदायिक दंगा हो गया तो वहाँ जो है हालात बेकाबू हो गए, हालात बेकाबू हो गए, मान लीजिए स्थानीय स्तर पर जो स्थानीय पुलिस है उससे नियंत्रण से बाहर की स्थिति हो गई, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में सरकार क्या चाहेगी कि दंगा और बढ़ जाए, बिल्कुल नहीं चाहेगी, नियंत्रण ही चाहेगी ना कि स्थिति में सुधार हो जाए, कानून व्यवस्था बहाल हो जाए। इस चीज़ को करने के लिए फिर चाहे आवश्यकता हमारी मिलिट्री या पैरामिलिट्री फोर्सेस जिसकी भी पड़ेगी उसको बुलाएगी और अनाउंस हो जाएगा कि अनावश्यक जो है अपने घर से ना निकले क्योंकि धारा 144 लागू है। ठीक है, वही सैनिक कानून वाला मामला, वही तो है।
अरे यार मैं कितनी बार बताऊँ, ये अलग अलग है। क्या एक है वो बता तो रहा हूँ, राष्ट्रपति शासन अलग, ठीक है। हाँ, कर्फ्यू और सैनिक कानून एक ही समझ लो, राष्ट्रपति शासन अलग है भाई। पता नहीं किस परिस्थिति में लगे, अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं ना, ठीक है। तो इसलिए जो है राष्ट्रपति शासन का मतलब अलग है एकदम, ठीक भाई। जहाँ पे सरकार की ये स्थिति होगी, सरकार बनी नहीं, चुनाव नहीं हो रहा इस बीच में, तो वहाँ का शासन राष्ट्रपति संभालेगा, मतलब राज्यपाल संभालेगा, राज्य के लेवल पे तो राज्यपाल संभालेगा। हो सकता है कि राष्ट्रपति को भी हस्तक्षेप करना पड़े, तो उसमें ये ढूंढना कि युद्ध वाली स्थिति है, नहीं हो रहा किन्हीं कारणों से, अलग अलग मामले हैं ना। तो राष्ट्रपति शासन अलग है, ठीक है। कर्फ्यू और सैनिक कानून लगभग आप सेम समझ लीजिए, ठीक है। अब बात करेंगे अनुच्छेद 35 की, इतने लिख ली ना, आगे बढ़ें। कोई बताएगा आर्टिकल 35 अनुच्छेद 35 में क्या है, कोई भी बता दे। संबंध में नियम बने हैं, थोड़ा सा और सही कर लो। अनुच्छेद 35, अरे मैं तो बताऊंगा ही, आप बताइए। कोई ऐसा होनहार, कोई नहीं है ऐसा। अरे सिंपल सिंपल ये समझ लीजिए, किसी मूल अधिकार में, किसी मूल अधिकार में, फंडामेंटल राइट्स में किसी कृत्य को दंड बताया गया है, ठीक है। मतलब जो फंडामेंटल राइट्स में किसी कृत्य को दंड बताया गया है कि ये काम जो है दंड के रूप में है, ठीक है। मतलब इसको दंड बताया गया है, पनिशमेंट बताया गया है, और अपराध के लिए दंड क्या होगा, मतलब जो क्राइम है उसके लिए दंड क्या होगा, इसको निर्धारित करने के जो शक्ति है वो किसके पास है, संसद के पास है। हो सकता है किसके पास है, संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है। तो सिंपल ये समझ लीजिए कि यदि किसी मूल अधिकार में जो है, मूल अधिकार में ये दिया है कि किसी कृत्य को ये माना गया है कि ये दंड है, ठीक है, ये क्या है, दंड है, और अपराध के लिए दंड को निर्धारित करने के लिए जो है शक्ति वो किसको दी गई है, संसद को दी गई है। हो सकता है किसको दी गई है, संसद को। कानून बनाने का कार्य किसका है, समझ गए ना, यही जो है नियम कानून विधि बनाने का कार्य किसका है, संसद ही, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो इसमें लिखा है कि किसी फंडामेंटल राइट्स में किसी कृत्य, कृत्य का मतलब एक्ट, ठीक है, कृत्य मतलब एक्ट, कृत्य को दंड बताया गया है। इसमें लिख लेंगे किसी मूल, किसी फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार में किसी कृत्य को दंड बताया गया है, ब्रैकेट में अपराध के लिए दंड, ये ऐसा समझ लीजिए। मतलब कोई अपराध हुआ उसके लिए क्या दंड है, अगर फंडामेंटल राइट्स में बताया गया है और इसको निर्धारित करने की जो है पावर किसको दी गई है, संसद को। तो निर्धारित करने के, अपराध के दंड निर्धारित करने की शक्ति संसद के पास होगी, ठीक है। इसको निर्धारित करने की शक्ति
संसद के पास होगी। ठीक है भाई, भाग तीन समाप्त हो गया। भाग तीन समाप्त हो गया ना। हाँ क्या क्या बेटा? सर ये जो है सर किसी मूल अधिकार में किसी क्रम, हाँ मूल अधिकार में सर क्या क्रम किया? अरे जैसे मतलब किसी मूल अधिकार की बात करें, अगर मान लीजिए कि जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाली बात करें, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मतलब ये कि बोलने की स्वतंत्रता, विचारों को निकालने की। अब विचार भाई वो गलत हुए तो किसी को आप गाली देने लगे तो गाली देना क्या है? जो आप गाली दे रहे हो, जो कृत्य कर रहे हो वो क्या है? अपराध है ना। किसका दुरुपयोग? अरे दुरुपयोग क्या है? दुरुपयोग से क्या मतलब है? ये कोई वस्तु थोड़ी है, ये वस्तु थोड़ी है। ठीक है, जैसे मान लें अभी बताया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तौर पर आप कहने लगो कि हम जो है गाली देंगे क्योंकि हमारा जो है अभिव्यक्ति का हमें अधिकार मिला हुआ है। हमें क्या है? अभिव्यक्ति का अधिकार मिला हुआ है, तो क्या ये अपराध नहीं है? गाली देना अपराध नहीं है? गाली देना तो अपराध है ना भाई। इसके लिए क्या मिलना चाहिए? पनिशमेंट, दंड मिलना चाहिए। और उस दंड को कौन निर्धारित करेगा? संसद। सांसद नहीं है, संसद। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है क्या बात? तीनों सगी बहने हो क्या? तीनों की ड्रेस ही एक है ना? अरे कैसे हो गया ये? तीनों एक ही। अच्छे कॉम में बात कर लिए होंगे कि आज जो है इस ड्रेस में चलना है। ठीक है, हाँ लड़के देख रहे, तुम्हारे तो हो नहीं सकता, विचार ही नहीं मिलते तो ड्रेस क्या होगी? कितना हो गया? तो इतना अगर वैसे पढ़े तो इतना काफ़ी है, पर मैं चाहता हूँ कि और डीपली जो है पढ़ लिया जाए, है ना? ठीक है, मुझे पता है आप लोग के जो हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं, अभी शांत कर देंगे। तो सबसे पहले कुछ शब्द हैं उनको समझ लेंगे, क्या क्या शब्द हैं। ठीक है, आपकी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, वहाँ जो चुगली करती हूँ ना वो रिकॉर्ड हो रही है ऐसे। ठीक है, फिर दुनिया देखेगी, ये देखिए आप लोगों के मैंने अलग अलग नामांकन कर दिया है, जो आगे बैठेंगे वो बच्चे जो हैं नहीं और खूबसूरत भारत के राज्य के जो कि जम्मू कश्मीर है उसके निवासी हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो आगे बैठेंगे वो जम्मू कश्मीर वाले हैं। हाँ बीच में खाली है, नहीं खाली नहीं होना चाहिए इसमें आपके, देखो जहाँ खाली सीट मिली है तो वहाँ बैग रख दिए हैं। और जो लास्ट वाले हैं ना उधर, नहीं अंडमान निकोबार वाले, अंडमान निकोबार वाले, तो आप जहाँ बैठना चाहो तो मैं इसी नाम से पुकारा करूँगा। हाँ भाई वो वाले बताइए। हाँ नहीं, आप लोगों को रेलेवेंस ही नहीं है। आप लोगों का कोई रेलेवेंस ही नहीं है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं, कुछ शब्दों को समझ लेते हैं, कितने लोग जानते हैं वो बताएंगे। ठीक है, माइग्रेंट का मतलब क्या होता है? वो जो बाहुबली में था प्रभास, माइग्रेंट का हिंदी अनुवाद नहीं पूछ रहा हूँ मैं, हिंदी अनुवाद तो प्रवासी है मान लो, प्रवासी जो बासी हो गया।
कौन बताएगा? हाथ उठा लो जी, जिनको भी पता हो, अंडमान निकोबार वालों और कन्याकुमारी इधर जिनको पता हो वो हाथ उठा लो, ठीक है? हाँ, प्रवासी क्या है? हाँ तो आप ही बताइए। अरे आप ही? हाँ, आपके नीचे और कौन बचा? कोई बचा क्या उधर? कोई नहीं बचा। अंडमान निकोबार से नीचे और क्या है? अरे छोटे छोटे बताओ, आप ही बताओ। एक शब्द में बताइए, एक वाक्य में बताइए, एक वाक्य में। अरे उनको बताने पहले बताओ, और कोई बताओ, आप बताओ। हाँ, अपना निवास बदलना। और बताओ, आप बताओगे आप उधर से? आप भी तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हो आप भी प्रवासी हो क्या? और बताओ, और कोई बताएगा? एक क्लास से दूसरी क्लास में आओगे? एक क्लास से दूसरी क्लास में? एक क्लास से दूसरी क्लास में आओगे? नहीं यार, कुछ और। हाँ बेटा, वो तो रेफ्यूजी होते हैं, शरणार्थी होते हैं, वो तो रेफ्यूजी होते हैं। अपने मुल्क में संकट आने की वजह से किसी दूसरे मुल्क में या देश में चले जाना, ठीक है? अरे परदेश में रहने वाला क्या है? एक शब्द में समझ लो, बताएंगे वो भी देशी विदेशी सब। परदेश में रहने वाला, परदेश में रहने वाला, ठीक है? तो परदेशी ये क्या है? परदेश में रहने वाला, ठीक है सर? परदेशी लिख दिया आपने परदेश में रहने वाला कहाँ लिखा परदेशी? अप्रवासी, इमिग्रेंट क्या होता है कोई बताएगा? इमिग्रेंट, अप्रवासी। हाँ हाँ बोलो, सही तो बोले। मतलब किसी एक भौगोलिक इकाई से किसी अन्य भौगोलिक इकाई में व्यक्तियों का आकर रहना, यही तो है। हाँ क्या होगा? कहाँ हो जाएगा? कहाँ जाएगा? किसी एक भौगोलिक इकाई से अन्य किसी भौगोलिक इकाई में, ठीक है? एक भौगोलिक इकाई से किसी अन्य भौगोलिक इकाई में व्यक्तियों के आकर बस जाना, आकर बस जाना। वो सर केवल प्रवासी, सर आना जाना केवल? आना जाना कहाँ लिखा मैंने? तो कहीं नहीं लिखा। वो रहने वाला है सर, परदेश, परदेश में रहने वाला। अरे यार वही चीज़ है, तो रहने वाला फिर कहाँ अलग हो गया? आना जाना कहाँ हो गया? आना जाना तो कहीं नहीं लिखा। अभी बताएंगे, वो एक शब्द नहीं है, इसलिए मैं सारे बताऊंगा। जो कन्फ्यूजन है ना मामला, तो सारा दूर हो जाएगा। तो प्रवासी से मतलब है कि परदेश में रहने वाला, सिंपल शब्दों में ये है। इसको परदेशी भी आप कह सकते हैं, ठीक है? अब बात करें अप्रवासी, इमिग्रेंट की, तो किसी एक भौगोलिक इकाई से किसी अन्य भौगोलिक इकाई में व्यक्ति जो है आकर बस जाए। व्यक्ति क्या है? आकर बस जाए, ठीक है? या ये कह सकते हैं आप कि एक नए देश में जो है रहे, व्यवसाय करे और वहीं का नागरिक बन जाए, ठीक है? तो किसी एक भौगोलिक इकाई से
किसी अन्य भौगोलिक इकाई में व्यक्तियों का आकर बस जाना। इन शब्दों को समझ लो बेटा, नहीं हवा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए कह रहे हैं इन शब्दों को समझ लो। किसी एक भौगोलिक इकाई से किसी अन्य भौगोलिक इकाई में व्यक्तियों का आकर बस जाना, ठीक है। जैसे कि एक देश से नए देश में जो है चले जाना और वहाँ जो है व्यवसाय करना और वहीं का फिर क्या है नागरिक बन जाना। जैसे नए देश में रहे और फिर क्या करे वहाँ पर व्यवसाय करे बिजनेस करे और फिर क्या हो वहीं पर बस जाए या वहीं का नागरिक बन जाए, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। और तीसरा है इमिग्रेंट, उत्प्रवासी। सुना आप लोगों ने, नहीं सुना? इमिग्रेंट, उत्प्रवासी, ये सुना भाई किसी ने? हाँ, कोई बताएगा? नहीं। मतलब जिन पे ये प्रावधान लागू नहीं होते हैं वो उत्प्रवासी है। पता नहीं आप लोगों को तो लगना है किसी को। हाँ, दो बम तो नहीं है कोई, कभी संस्थान को उड़ाने के इरादे हो किसी के, ऐसा तो नहीं है। देखना जरा आकर के। हाँ देखो, नहीं मुझे तो महसूस नहीं हो रहा। हाँ चलो, इस बार अगर ऐसा महसूस हो तो बताना, ठीक है। हम लोग तैयार रहो, बैग वैग बांध लो, पैरासूट वगैरह लगा लो सब, ठीक है, तैयार रहना एकदम। हाँ, जम्मू कश्मीर का मामला है? नहीं नहीं कोई नहीं बेटा, जब जो है भूचाल आएगा तो फिर ना मध्य प्रदेश बचेगा ना कन्याकुमारी, उसका तो वैसे ही। इमिग्रेंट, उत्प्रवासी, मतलब जिन पे अप्रवासी के नियम लागू नहीं होते हैं, ये कह लीजिए कि यह अपने मूल निवास स्थान को छोड़ देता है। यह क्या है? अपने मूल निवास स्थान को छोड़ देता है, यह अपने मूल निवास स्थान को छोड़ देता है। यह अपने मूल निवास स्थान को छोड़ देता है। जैसे आप कह रहे थे इनमें अंतर बता दीजिए। प्रवासी जो प्रदेश में रहने वाला, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है वहाँ का नागरिक हो गया, कोई जरूरी थोड़ी ना वहाँ का नागरिक हो। इसका मतलब क्या है? ये कोई जरूरी थोड़ी है कि वहाँ का नागरिक हो गया, वो प्रदेश में रह रहा है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। दूसरा, अप्रवासी की बात करें कि जो है एक देश से दूसरे देश में आके
बच गया। ऐसे व्यक्ति जो एक देश से दूसरे देश में जाकर के बस जाते हैं या व्यवसाय करें वहाँ और फिर व्यवसाय तक सीमित ना रहें, इससे भी आगे बढ़ जाएं और वहाँ के नागरिक बन जाएं। तो वह क्या है, अप्रवासी हैं, इमिग्रेंट हैं, और इमिग्रेंट और प्रवासी जिन पे अप्रवासी के नियम लागू ना होते हों, अर्थात यह अपने मूल निवास स्थान को छोड़ देते हैं, ठीक है, अपने मूल निवास स्थान को छोड़ देते हैं, ठीक है, मतलब किसी व्यापार के इरादे से नहीं गए थे दूसरे देश में, ठीक है, ना उन्होंने व्यापार किया, अपना जो है मूल निवास स्थान छोड़ दिया, समझे चीज़ को, ठीक, इतना लिख लो थोड़ा जो बेटा, लोड तो पड़ेगा ही, आइए इसके पड़ा थोड़ा सा लोड तो पड़ेगा ही, इतनी आसानी से कैसे, एज कर दें इसको, नहीं समझ में आया बता दें दोबारा, कितने बच्चों को समझ में नहीं आया वो हाथ उठा दें, तो जब कोई हाथ ही नहीं उठा रहा तो पूछ लूँ फिर मैं, क्यों बताओगे, सभी को समझ में आ गया, परदेश में रहने वाला क्या है, हाथ उठाई, आप प्रवासी कौन बोला आगे बैठे हैं यार, आप प्रवासी, आप प्रवासी कर रहे हैं, प्रवासी बोला, अच्छा आप प्रवासी किसने बोला था फिर, किसी ने नहीं, तो आप प्रवासी बताइए क्या होते हैं, चलो इतना समझ में आया कि यहाँ से वहाँ चला जाए और फिर उसके बाद मतलब नए देश में चला जाए, रहे नए देश में और वहाँ व्यवसाय करे और फिर वहाँ का नागरिक बन जाए, ठीक है, ये तो था उत्प्रवासी, इमिग्रेंट, बस खत्म, इतने मसाला था, उद्देश्य क्या होगा, उद्देश्य तो वही जाने क्या होगा, उद्देश्य क्या मतलब बेटा, इनका ऐसा ये को व्यवसाय करना इनका उद्देश्य नहीं है, बस इन्होंने क्या है अपना मूल स्थान, मूल निवास स्थान जो है छोड़ दिया है, उद्देश्य तो वो ही जानेंगे ना क्या है, हाँ नहीं तक का प्रोसेस अलग है ना, उसमें समय तो लगेगा, ऐसा थोड़ी ना कि आप जाएंगे चलो बैग लेके, अब मैं अमेरिका की नागरिकता अपनाऊंगा कि भैया प्रेसिडेंट जियो बाइडन आप आइए और मुझे जो है अपने देश का नागरिक बनाइए, ऐसा तो नहीं होता, प्रोसेस होगा उसमें लंबा समय लगेगा, ठीक है, अरे तुम देश विदेश की बात क्यों कर रहे हो, आपने अपने गांव को छोड़ दिया कहीं और रहने लगे, आपने अपने जिले को छोड़ दिया कहीं और रहने लगे, वो भी तो इसी में आएगा, उत्प्रवासी में, उत्प्रवासी में, ठीक है, समझ गए, ठीक, आगे लिखिए, लिखने के लिए एकदम तैयार हो रहे हैं, लिखा है आज तक, आगे समझ लो, ठीक है, तो आपने तीनों शब्दों को समझ लिया, मीनिंग समझ ली, क्या क्या होता है, अब देखते हैं क्या फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट हैं, क्या फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट हैं, बताया तो था एक बार, आप लोगों के याद नहीं है क्या, क्या फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट हैं, एब्सोल्यूट का हिंदी अनुवाद है यहाँ पर आत्यंतिक हैं, क्या फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार
आत्यंतिक है, एब्सोल्यूट है, तो इंग्लिश में सही है ना, एब्सोल्यूट आत्यंतिक से अच्छा लग रहा, पता नहीं क्या होने वाला। अरे बताएंगे बताएंगे, कितने लोगों को पता है कि एब्सोल्यूट का मीनिंग या आत्यंतिक का मतलब ये होता है? हाँ बता बेटा। इसे झुटलाया नहीं जा सकता, ऐसे तो नहीं होता। और कहीं हाँ थोड़ा सा, बस थोड़ा सा मामला। अरे कैसे मतलब है, कैसे मतलब है? आपने तो वही बात कर दी कि आप खाना खाओगे तो चुप, दूसरे ने बोला, दूसरे ने पूछा कि आप खाना खाओगे, हाँ खाएंगे, हाँ यही मतलब था मेरा। कि बस शर्मा रही थी, बोल नहीं पाई, मतलब तो यही था। बोलो बोलो भाई, सोचो कुछ तो बता। एक बच्चा थोड़ा पहुंच रहा था, और बताइए अंग्रेजी वालों, आप तो बता सकते हो भाई एब्सोल्यूट का मीनिंग क्या होता है। डेली के डेली एब्सोल्यूट ही पढ़ रहे हो, आप भी बताओ। जिस पर किसी का प्रभाव ना पड़ सके, इस सेंस में जिस पर किसी का प्रभाव ना पड़ सके। जिस पर किसी का प्रभाव ना पड़ सके, आत्यंतिक का मतलब है कि जिस पर किसी का प्रभाव ना पड़ सके। तो क्या फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं? ऐसे तो नहीं है, प्रभाव तो पड़ ही रहा था। हाँ अभी तक कह रहे थे हाँ है, अब अर्थ समझ में आ गया तो फिर चेंज हो गया मामला। ठीक है, एक होता है निरपेक्ष, निरपेक्ष कोई मतलब बताएगा निरपेक्ष का मतलब क्या है? निष्पक्ष नहीं पूछ रहा हूँ मैं, निरपेक्ष पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं और कुछ बताओ। अरे वो निष्पक्ष है, बार बार वही अभी तो बताया था, वही बता रहे निरपेक्ष, जो बता देगा एक ट्रॉफी। इंग्लिश में बता दूंगा तो आप एक सेकंड नहीं लगेगा आंसर दे दोगे। सर बता दीजिए, बता दीजिए, लिखा है सामने। हाँ कन्याकुमारी वाला उधर से बोलो। कुछ है, मैंने कहा लिखा है सामने, तब भी नहीं ढूंढ पा रहा है। जिस पर किसी का प्रभाव ना पड़ता है। निरपेक्ष एब्सोल्यूट भी होता है, नहीं होता इसका क्या मीनिंग है? एब्सोल्यूट भी सुना आप लोगों ने, निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता सुना। तो जिसको किसी की जरूरत नहीं, जिसको किसी की जरूरत नहीं या जिस पर किसी का प्रभाव ना पड़ सके। यह प्रभाव ना पड़ता है। अरे यार एक ही तो है, लिखा तो है उसमें, मैं शब्दों की मीनिंग बता रहा हूँ। ठीक है, मैं शब्दों की मीनिंग बता रहा हूँ।
किसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। और दूसरा आता है सापेक्ष, सापेक्ष सापेक्ष मतलब बोलो बोलो बोलो। देखिए एकदम सही है, तुक्का मारा तो भी सही है। ठीक है, जिसको किसी की ज़रूरत है, जिसको किसी की ज़रूरत है, मतलब जिएंगे तो तुम्हारे साथ, मरेंगे तो तुम्हारे साथ। ठीक है, हाँ सर, मेरा क्वेश्चन होता है भारत के सापेक्ष पाकिस्तान की नीतियों का वर्णन कीजिए, तो ये सापेक्ष हाँ तो वो अलग अलग, तभी बता रहा हूँ, पहले मीनिंग बता रहा हूँ सापेक्ष का मतलब क्या है, कैसे कैसे। जिसको किसी की ज़रूरत है या जिस पर किसी अन्य का प्रभाव पड़ता है, जिस पर किसी अन्य का प्रभाव पड़ता है या जिस पर किसी अन्य का प्रभाव पड़ता है। अब पूछो क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे। हाँ तो अब यहाँ समझ लीजिए, अब सापेक्ष का ये मतलब जो है ना वहाँ फिट कर लीजिए, उत्तर आपको मिल जाएगा। जिस पर किसी अन्य का प्रभाव पड़ता है, मतलब भारत पर जो है प्रभाव पड़ रहा है ना, सापेक्ष मतलब भारत पर प्रभाव पड़ रहा है, किसकी नीतियों का, पाकिस्तान की नीतियों का, जो भी है उसी का वर्णन हो रहा है। अब क्लियर है। हाँ आप पहले जो है ना गदर काटने लगते हैं, बताए ये कीजिए सर वो कीजिए, हम लोग एक एक शब्द बताऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सापेक्ष समझ लिया, वो ट्रेन वाला वाक्य नहीं समझे, आप लोग करते क्या हो। हाँ बताया था ना अभी, ठीक है। इतना हो गया, आप लोगों को पता है, कितने लोगों को पता है इस वाक्य के बारे में, इस घटना के बारे में? नहीं पता। अच्छा एक ईमानदार जाना, कितने लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, मतलब इस्तेमाल करते हैं एंड्रॉयड फ़ोन? हाँ इस्तेमाल करते हैं, अभी होना हो कोई दिक्कत नहीं, इस्तेमाल कितने लोग करते हैं? कोई ऐसा बच्चा नहीं बचा जो इस्तेमाल ना करता हो। सोशल मीडिया पे कितने लोग एक्टिव हैं आप में से? एक भी एक्टिव नहीं है। अच्छा दो बच्चे एक्टिव हैं। YouTube कितने बच्चे देखते हैं? YouTube इतने, अच्छा हाँ। Tinder पर कितने हैं? Tinder कितने लोग इस्तेमाल नहीं, Tinder नहीं समझते, टेंडर नहीं। सोशल मीडिया पे एक्टिव है नहीं, फेसबुक वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो नहीं आप लोग, तो यूट्यूब पे क्या देखते हो? नहीं क्लास, इतना तो झूठ ना बोलो। कम से कम हजारों व्यूज होने जाने चाहिए थे इस हिसाब से, तो अभी तो 800 ही हुए हैं। सर एक ही बंदा बार बार देखा छोड़े हो, तो किसी पड़ोसी को दिखाओ। हाँ पड़ोसी का क्या क्या बता रही हो? भूल गई, कुछ कहना चाह रहे थे भूल गई। इसीलिए सर थोड़ा क्वेश्चन बोलते हैं सर बीच में, थोड़ा क्वेश्चन चला जाता है। कौन सा वाला क्वेश्चन? आप वाला तो फिर भूल जाते हो। अरे हाँ तो तुरंत बोल दिया करो, ताकि आपका क्वेश्चन जो है आपको याद ना रहे, तुरंत बोल दो बाकी बच्चों को याद रहेगा। इतना हो गया, अब आगे पढ़ लेते हैं पूरा इसको, हाँ डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है,
अब ये शब्द क्यों बताया मैंने, कि बार बार इनका इस्तेमाल होगा तो फिर बार बार ये मत पूछना कि सर इसका मतलब क्या था, इसका मतलब क्या था। ठीक है, ये पढ़ लेंगे फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट हैं तो कहाँ कहाँ हैं, नहीं है तो कहाँ कहाँ नहीं है, कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, समझ गए इतना? तो फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब जिस पर किसी का प्रभाव ना पड़ सके। ठीक है, वो कहाँ कहाँ पर हैं देख लेंगे। सबसे पहले यूएसए की बात कर लेंगे। यूएसए इसी के साथ जो है हम यूके को भी पढ़ेंगे, यूके के इस आंसर में देख लेंगे। स्टार्टिंग में इतिहास आप जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ हिस्ट्री पढ़ ली होगी तो बताएंगे क्या यूएसए में फंडामेंटल राइट्स थे? कितने लोग बता रहे हैं नहीं थे? नहीं थे वाले स्टार्टिंग, हाँ जब यूएसए यूएसए की बात हुई है तब की, जब नई दुनिया की खोज हुई है तब की बात, स्टार्टिंग मतलब जन्म हुआ था, बर्थडे हुआ था। कितने लोग हैं बता रहे हैं कि थे नहीं थे वाले? एक दूसरे का मुंह देख देख के क्यों उठाते हो आप? तो क्या था? नहीं थे। सही है। 1791 में की अगर बात करें तो फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट हैं ये बताया गया, कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, एब्सोल्यूट हैं। सही है, इसी के साथ पढ़ेंगे कि फंडामेंटल राइट्स की जो है पॉजिटिव लिस्ट है। पहले तो एक छोटा सा समझ लो कि फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट होती हैं, सूची होती हैं। यहाँ लिस्ट से मतलब अलग है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट है, लिस्ट वही जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो उनकी सूची है कि इसमें ये दिया है इसमें ये दिया है उन्हीं के बारे में। तो एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। पॉजिटिव लिस्ट की अगर फंडामेंटल राइट्स की पॉजिटिव लिस्ट की बात करें तो वही जो स्टार्टिंग में आप लोग बताया कि राज्य क्या कर सकते हैं। ठीक है, राज्य क्या कर सकते हैं या क्या कर सकता है, ये पॉजिटिव लिस्ट में है। ये क्या है? पॉजिटिव लिस्ट। और दूसरी क्या है? नेगेटिव लिस्ट। पॉजिटिव लिस्ट में के क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। नेगेटिव में क्या होगा, क्या नहीं कर सकते हैं, ये व्यक्ति पे लागू होता है। ठीक है, क्या नहीं कर
सकते हैं, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो लिस्ट कितने प्रकार की हैं? दो प्रकार की, ठीक है। पॉजिटिव लिस्ट बताती है कि क्या कर सकते हैं, नेगेटिव लिस्ट क्या बताती है, क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यूएसए में क्या है, फंडामेंटल राइट्स की पॉजिटिव लिस्ट है, यहाँ पे क्या है, फंडामेंटल राइट्स की पॉजिटिव लिस्ट है। इस तरह से मैं लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना, इस तरह से मैं लिख देना फिजिक्स वाले सेंस में। फंडामेंटल राइट्स की पॉजिटिव लिस्ट है, इसको डॉक्ट्रिन भी कहते हैं, मतलब सिद्धांत। क्या क्या सिद्धांत है? डॉक्टर आयन नहीं, डॉक्टर की घरवाली नहीं, ठीक है, कह रहे हैं आप डॉक्टर की घरवाली, डॉक्टर आयन। एक चीज़ और होता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ पुलिस पावर, डॉक्ट्रिन ऑफ पुलिस पावर, डॉक्ट्रिन ऑफ पुलिस पावर जो पुलिस की शक्तियों का सिद्धांत है, उसकी अगर बात करें तो क्या ये मूल अधिकारों को सीमित कर सकते हैं या नहीं? कितने लोग हैं हाँ बोलने वाले कि डॉक्ट्रिन ऑफ पुलिस पावर मूल अधिकारों को सीमित कर सकता है? हाथ उठाइए, हाँ बोलने वाले कि हाँ ये कर सकता है। एक बच्चा है सर, दो, धीरे धीरे, एक बार हाथ उठा लो भाई ठीक से। अच्छा ठीक ठीक ठीक। और कितने लोग ऐसे हैं कि ये मूल अधिकारों को सीमित नहीं कर सकते हैं? ऐसा कोई भी नहीं, एक बच्चा। बेटा सीमित करेंगे ना, नहीं करेंगे? कोई सैनिक कानून नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्या होगा, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स को सीमित कर सकते हैं, समझ गए? सीमित कर सकते हैं। दरअसल जो इस चीज़ का मतलब नहीं समझा होगा ना, तो वही जवाब नहीं दे पाया है ना। बताना सैनिक कानून इतना हो गया हाँ? एब्सोल्यूट है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब किसी भी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका मतलब उस सेंस में। हाँ अभी बताऊंगा आगे कैसे होगा, जब भारत को पढ़ेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे। अभी इसको ये ना सोचो कि 1791 जब फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट बताए गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल किसी भी स्थिति में नहीं होगा। हमने ये भी तो पढ़ा है, हमने फंडामेंटल राइट्स में ये भी पढ़ा है, अभी आपको पढ़ाया था आर्टिकल 33 से लेकर के 33, 4, 5 ये सब पढ़ा था। इसमें क्या था, ये तो फंडामेंटल राइट्स में भी था, ये क्या था, फंडामेंटल राइट्स में था। आपने यही पढ़ा था कि यदि कोई विधि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होगी तो स्वतः क्या हो जाएगी, खारिज हो जाएगी, तो उसको खारिज मान लिया जाएगा, ठीक है। जैसे वही फंडामेंटल राइट्स में लिखा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो अगर कोई व्यक्ति जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार लेकर के ये चले कि मैं कुछ भी बोलूँ किसी को, या जैसे अनुमति नहीं है और फिर मैं चौराहे पर या नुक्कड़ पर जो है खुलेआम किसी विशेष संप्रदाय को जो है अभद्र टिप्पणी करूँ उस पर या गाली गलौज करूँ और उसके बाद मैं कहूँ कि ये जो है मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो ये सरासर गलत है ना, ये तो सरासर गलत है।
तो वही चीज़ है कि एब्सोल्यूट है मगर विशेष परिस्थितियों में भी क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा वो चीज़ भी बताई जाती है, समझे। तो कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखो, हर एक चीज़ ये थोड़ी ना कि हर जगह ही सही होती है। इसका ठीक ठाक सा उदाहरण आपको एक मूवी में देखने को मिल जाएगा। पीके मूवी देखी है आप लोगों ने? पीके नहीं, उसमें देखिए जैसे एक महिला सफ़ेद कपड़े पहनती हैं, ठीक है, वहाँ सब सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, तो वो वहाँ सर कुछ खुशी वाली बात बताने जाता है, खुश रहता है आमिर खान, तो वो कहता है अरे नहीं यहाँ तो जो है सब लोग मर गए हैं तो इसलिए जो है सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। और फिर वो आगे वहाँ से निकलता है तो आगे जो है चर्च में जो है चर्च के लोग जो है वहाँ पर शादी होती है तो सफ़ेद लिबास ही पहनते हैं, ड्रेस है वहाँ की ईसाइयों की ड्रेस है। तो वो कहने लगा कि क्या आपके हस्बैंड मर गए हैं? तो उसकी वहाँ कुटाई होती है कि अभी तो शादी हुई नहीं, पहले ही मर जाएगा, शादी के बाद ज़्यादा मरते हैं। हाँ कैसे, ये थोड़ी ना पहनते हैं कि ये तो ये हमारी ड्रेस है इसलिए पहनते हैं। फिर आगे चलता है तो वो वही के काले कपड़े पहनते मिल जाते हैं, तो वो कहता है क्या आप तीनों के हस्बैंड मर गए हैं? तो पीछे से एक सांड टाइप का आदमी आता है तो कहता है मैं जिंदा हूँ। देखिए आप लोगों ने मूवी, तो ये नहीं कि हर एक चीज़, ये नहीं कि कोई एक चीज़ हर जगह फिट हो जाए, अलग अलग सेंस भी रहता है उसका, सही है, परिस्थितियों पर निर्भर करता है, परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इतना क्लियर हो गया। यूके में क्या है, यूके में यह है कि फंडामेंटल राइट्स की नेगेटिव लिस्ट है। यूके में क्या है, फंडामेंटल राइट्स की नेगेटिव लिस्ट है। इसका मतलब क्या है कि क्या नहीं कर सकते हो आप, इसका मतलब क्या है कि आप ये नहीं कर सकते हो। अमेरिका में क्या है कि आप सिर्फ ये कर सकते हो। इसे समझ जाओगे बेटा, दोबारा से समझ लो जिसकी अब भी ये समझ में नहीं आया हो कि आपने 1791 में फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट कर दिए हैं और फिर अब डॉक्ट्रिन ऑफ पुलिस पावर के मैं आप कह रहे हो कि फंडामेंटल राइट्स को सीमित कर सकते हैं। तो वो ये समझ ले कि यूके मतलब यूके में क्या है, पॉजिटिव लिस्ट है, फंडामेंटल राइट्स की क्या है, पॉजिटिव लिस्ट है। और पॉजिटिव लिस्ट क्या कहती है, दो तरह से क्या कर सकते हैं, मतलब स्टेट ने बता दिया, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ने बता दिया कि आप ये कर सकते हो, उन्होंने लिस्ट दे दी कि आप ये कर सकते हो, इसके बाहर नहीं कर सकते हो, ठीक है, आप ये कर सकते हो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बस उसमें सही वाक्य आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये कोई अच्छे सेंस में कर सकते हो, किसी को गाली या अभद्र टिप्पणी या भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो नहीं वाला अलग मामला है, मतलब उन्होंने बता दिया कि आप ये कर सकते हो, इसके बाहर जो भी चीज़ है वो सारी गलत है या उसको आप नहीं कर सकते हो। आप समझ गए, आप क्या कर सकते हैं वो इसमें बताया है, ठीक है। यूके में क्या है, यूके की बात है तो वहाँ फंडामेंटल राइट्स की नेगेटिव लिस्ट है, इसका मतलब क्या है कि क्या नहीं कर सकते, उन्होंने बताया कि आप क्या नहीं करोगे, उन्होंने ये बता दिया कि आप ये नहीं करोगे, क्या करोगे उससे मतलब नहीं है, उन्होंने बताया नहीं कि क्या करोगे। ऐसी यूएसए में क्या है कि आप पॉजिटिव लिस्ट के तहत क्या कर सकते हैं तो वो प्रावधान बता दिए, लिस्ट दिखा दी कि आप ये कर सकते हो, इससे बाहर जो भी है वो उन्होंने बताया नहीं क्या नहीं कर सकते, ठीक है। अब समझ गए, ठीक है। यूके पढ़ लिया, यूएसए पढ़ लिया, अब अपना इंडिया, एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट्स
किसके सहन से पढ़ेंगे? हाँ, भारत। आप में से कोई बताया कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या होते हैं? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन मतलब युक्तियुक्त निर्बंधन, युक्तियुक्त निर्बंधन किसे कहते हैं? पढ़ा आप लोगों ने? नहीं पढ़ा? समझ में नहीं आ रहा? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस मतलब युक्तियुक्त निर्बंधन। युक्ति युक्त निर्बंधन या निर्बंधनों की बात करेंगे। किसने पढ़ा नहीं अभी तक? हाँ सही पहुंच रहे हो थोड़ा। और बताइए, और इसको कौन बताएगा? इसको कौन निर्धारित करेगा? इसको कौन बताएगा? ना ना, कानून की बात कर रहे हैं तो कौन बताएगा? जुडिशरी। इसको कौन बताएगा? जुडिशरी मतलब युक्तियुक्त निर्बंधन। अगर पुनरावलोकन की बात करें, न्यायालय की पुनरावलोकन की शक्ति की अगर बात करें, ठीक है, तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की अगर बात करें, युक्तियुक्त निर्बंधनों की बात करें, तो इसका निर्धारण जो है न्यायालय का कार्य है। न्यायालय का काम क्या है? इनका निर्धारण करना, इसका निर्धारण करना न्यायालय का कार्य है। साथ ही साथ जो है इसका निर्णय सदैव ही परिस्थितियों के आधार पर किया जाएगा। इसका निर्णय सदैव ही परिस्थितियों के आधार पर किया जाएगा। और दूसरा होता है सस्पेंशन। सस्पेंशन या स्थगन, सस्पेंशन या स्थगन, इसका मतलब क्या है कि कुछ समय के लिए फंडामेंटल राइट्स पर क्या है, रोक लगा दिए, ठीक है। इससे मतलब है कि कुछ समय के लिए फंडामेंटल राइट्स पर रोक रोक या सीमाएं युक्तियुक्त निर्बंधों का। और आसान भाषा में यह है कि जो मूल अधिकारों में दिया है कि आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं करोगे, ठीक है,
मतलब जो स्वत ही क्या है मूल अधिकारों में ही इंक्लूड है, लिखा है, वर्णित है, तो वही क्या है, युक्तियुक्त निर्बंधन है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। मतलब रीजनेबल मतलब तार्किक आधार पे, जैसे वही बात सबसे साधारण सरल उदाहरण यही आता कि आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर के वही बात करें, तो भाई ऐसा थोड़ी ना कि आप किसी को गाली दोगे, असाम्प्रदायिकता को और भड़काने के लिए, सांप्रदायिक दंगों को और भड़काने के लिए जो है आप अनाप शनाप किसी विशेष संप्रदाय के खिलाफ बोलोगे, अव्वल टिप्पणी करोगे, इसका मतलब ये थोड़ी ना, तो तर्कों के आधार पर है। ठीक है, इतना हो गया। तो कल जो देखते हैं फंडामेंटल राइट्स पर क्या क्या रोक हैं, क्या क्या सीमाएं हैं। ठीक है, नहीं नहीं बताइए, आज ही पढ़ दें, जैसे बोलो आप, जल्दी बताओ, 3 मिनट हैं आपके पास। कल टेस्ट का टाइम जो है हम लोग आपको बता दिया जाएगा। हाँ, नेट की समस्या है, यहाँ बंद हो गया तो फिर मामला। अच्छा, सर्वसम्मति से आप लोग पास कर दीजिए कि टॉस कर लें, टॉस कर लें। अरे जल्दी बताओ, वो किसी भी टाइम ना, बोलो बोलो जल्दी बताओ। जो अगर नहीं, आप मैंने कहा ना कोई भी काम आपसे बाहर नहीं हो सकता। चलो पर्ची बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है। पर्ची बना दें, पर्ची बना देते हैं, 2 पर्ची बन जाएंगी, तो आप में से सबसे छोटा बच्चा उठ के आ जाएगा। सबसे छोटे आप हो, अपनी ईमानदारी से बताना, जो भी सबसे छोटा बच्चा हो। क्या जल्दी बताओ, हाँ ठीक है, आइए आइए। अच्छा कोई भी आइए, कोई भी आइए, जो भी आएगा उस पर जो है दाव लगा रहेगा पूरा। अगर जिनके जो है समर्थन में रहा मामला तो वो तो खुश हो जाएंगे, और जिनके खिलाफ रहा, अभी बोरिया बिस्तर ना बांधो, सबने बैग बांध लिया लास्ट, अभी लिखाऊंगा, और अभी लिखाऊंगा थोड़ा सा। तो ठीक है भाई, आइए, कौन आ रहे हैं? अदीप, आओ आओ आओ। नहीं ना, वो चले, आ जाओ आ जाओ, आ जल्दी आओ। अरे आपकी महिला मित्र देख लेती क्या? खुशी होती कि देखिए इतने सारे बच्चों का भविष्य तय कर रहे हो। तो देख लो भाई, दो ही पर्चियाँ हैं। ठीक है भाई, खोल कर देखना चाहोगे? ऐसा तो नहीं कि दोनों में एक लिखाओ, हाथों में बता रहा हूँ, खोल कर देखना चाहोगे? हाँ,
एक उठानी है, दोनों नहीं, एक उठानी है। खोलो, क्या है, कितने बजे है? सुबह मॉर्निंग। कितने बजे है भाई, टाइम तो बताओ। 8 बजे से बोलो ला वो दिखाओ। हाँ दिखाओ बेटा, वो दिखाओ। 8 बजे इन्होंने, सुबह 8 बजे भाई। कौन सी, यही ना? लो वही है। हाँ तो उसमें वही लिखा हुआ, कितना, 8 है ना? हाँ तो वही तो 8 ही लिखा है। नहीं अलग अलग था, तो सुबह 8 बजे से है, ठीक है। और प्रीलिम्स के लेवल पर ये होगा मामला। अंग्रेजी माध्यम वालों, आप लोगों का मेंस के लेवल पे होगा, आप होनहार बच्चे हो, ठीक है। हाँ तो आप लोग मेंस वाला टेस्ट दोगे, ठीक है। क्या सारे, वो तो आते ही हैं, उनको पता नहीं है, कहीं से भी आ सकता है, पता नहीं। देखिए हाँ 100 कहाँ रहते हो आप लोग, कन्याकुमारी? हाँ मेंस के लेवल पे बोला ना मैंने, बेटा नेगेटिव मार्किंग होती है 130 की, नेगेटिव मार्किंग होती है उसमें, इसलिए नहीं उसमें तो लिख भी लोगे आप, इसलिए जो आप लोग अभी मेंस के लेवल पे डिस्क्रिप्टिव ही बताया जाएगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो जाइए आप लोग आज। अदीप हाँ।